9000 करोड़ लेकर भागे विजय माल्या के बयान से बढ़ी सरकार की मुश्किल। माल्या ने कहा जेटली को संसद में लंदन जाने की बात बताई थी। अरुण जेटली ने माल्या के दावे को झूठा बताया, कहा संसद से निकलते वक्त माल्या ने की थी बात की कोशिश पर मिलने का वक्त नहीं दिया। माल्या के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सरकार पर हमला, कहा माल्या के आरोप बेहद गंभीर, तत्काल हो स्वतंत्र जांच। अरुण जेटली का बयान सामने आने के बाद माल्या ने कहा कि औपचारिक रूप से वित्त मंत्री से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया का बयान, कहा संसद के सेंट्रल हॉल में अरुण जेटली को विजय माल्या से चर्चा करते हुए देखा था। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी माल्या के दावे की जांच की मांग की है। स्वामी ने कहा प्रधानमंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए। एबीपी न्यूज पर खुद को बेगुनाह बताने के भगोड़े मेहुल चौकसी के दावे पर बोली सरकार, खूनी कोर्ट में नहीं कहता कि हमने खून किया है। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए और डीजल 73 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। मुंबई में तेल के दामों ने तोड़ी जनता की कमर, मुंबई में पेट्रोल 88 रुपए 39 पैसे डीजल 77 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हुआ। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों में राहत के आसार नहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा उत्पाद शुल्क में कटौती से बढ़ेगी समस्या। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम और डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती कीमत को लेकर हरकत में सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को बुलाई अहम बैठक। नमो ऐप के जरिए बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी, गाजियाबाद नवादा हजारीबाग के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आज गणेश चतुर्थी है, देश भर में घरों और पंडालों में आज गणपति की स्थापना की जाएगी, 11 दिन तक चलेगा उत्सव। गणेश चतुर्थी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंच रहे हैं, बप्पा के दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतार। मुंबई में आज से 11 दिन तक चलेगा गणेश उत्सव। मुंबई की में लालबाग के राजा की 22 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। मुंबई में गणपति उत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, प्रमुख पंडालों पर पुलिस बल की तैनाती की गई। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के घर आए बप्पा, इन्हें इंटीरिया का राजा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इको फ्रेंडली ढंग से पूजे जाएंगे भगवान गणेश, गेहूं बाजरे से तालाब में बनाई गई मूर्ति। पणजी में भी गणेश उत्सव की जोरदार तैयारी, पणजी में जगह जगह तैयार किए गए पंडाल। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में गणेश चतुर्थी की धूम, गणपति को लगाया जाएगा 580 किलो के लड्डू का भोग। आंध्र प्रदेश के वाइजैग में गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू, लोगों ने गणपति के स्वागत के लिए तैयारियां की। कानपुर में गणेश चतुर्थी पर मूर्तिकारों ने बनाई इको फ्रेंडली प्रतिमा, गाय के गोबर और प्राकृतिक रंगों से कलाकार बना रहे हैं गणेश प्रतिमा। एप्पल फोन के दीवानों के लिए अच्छी खबर है, कंपनी ने लॉन्च किए 3 नए आईफोन्स, आईफोन XS, आईफोन XS मैक्स और आईफोन XR। आईफोन XS की कीमत 99,900 रुपए होगी, आईफोन XS मैक्स की कीमत 1,09,900 होगी। कल से शुरू होगी फोन की बुकिंग। आज आएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे, कल हुई थी वोटिंग, NSUI और ABBP की टक्कर। जेएनयू छात्र संघ चुनाव की प्रेसिडेंशियल डिबेट में प्रत्याशियों ने सरकार से लेकर कैंपस तक के मुद्दे उठाए, कल होगी वोटिंग। बिहार में भीड़ का शिकार बने पुलिस वाले, सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। बिहार में अपराधी बेखौफ, बेगूसराय में किसान की गोली मारकर हत्या, फायरिंग में 2 लोग घायल। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर सरकार, नीतीश कुमार ने बुलाई अधिकारियों की बैठक। आरजेडी की बैठक में फिर शामिल नहीं हुए तेज प्रताप, सुशील मोदी ने ली चुटकी, कहा लालू के घर में छिड़ी है महाभारत। यूपी के हरदोई में रेलवे ट्रैक पर जोखिम में जान चलती ट्रेन के साथ स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार। मुंबई में आरपीएफ के जवान की मुस्तैदी से ट्रेन की चपेट में आने से बची महिला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। केरल नन रेप केस में पुलिस
प्रदर्शन के बीच पुलिस ने बिशप फ्रैंको मुलकल को 19 सितंबर तक जांच टीम के सामने पेश होने का आदेश दिया। गुरुग्राम में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर विवाद के बीच नगर निगम ने मस्जिद को किया सील। भारतीय वायुसेना प्रमुख बीएस धनोवा ने कहा है कि राफेल विमानों से वायुसेना की ताकत मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर के तालियान इलाके में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से किया हमला, सुरक्षा बलों को इलाके को घेरा। जम्मू के झज्जर कोटली इलाके में आतंकियों की कायराना करतूत, ट्रक में बैठकर पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की। जम्मू के झज्जर कोटली में ट्रक पर सवार होकर फायरिंग करने वाले आतंकियों की तलाश, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। जम्मू में संदिग्ध आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद हाई अलर्ट, कई संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू में आतंकी फायरिंग के बाद डोडा में भी सुरक्षा बढ़ाई गई, हाईवे पर वाहनों की चेकिंग। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट पर सवाल, रिपोर्ट में कहा बीजेपी की जीत के बाद भारत में बढ़ा नस्लवाद। किसानों के हित में मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, किसानों से अनाज खरीदने की नीति को कैबिनेट की मंजूरी। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा आंदोलन चलाएगी मोदी सरकार। सहारनपुर में गन्ना किसानों पर सीएम योगी का अजीब बयान, कहा गन्ने की फसल कम करें किसान, शुगर से बीमार हो रहे हैं लोग। योगी के बयान पर गन्ना किसानों ने जताया एतराज, किसान बोले मुख्यमंत्री का ऐसा बयान नासमझी भरा है। वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विधायक विजय मिश्र से जान का खतरा बताया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को याद आए राम, कमलनाथ ने कहा अगर सत्ता बनी तो राम पथ बनाएंगे। एमपी के बुरहानपुर की जनसभा में मराठी वोटरों को लुभाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मराठी में दिया भाषण। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, बाबा को सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। रायपुर में कांग्रेस के नेता बैलगाड़ी पर सवार होकर छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे, महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन किया। रामविलास पासवान के दामाद अनिल साधु का बयान, अगर आरजेडी ने टिकट दिया तो एलजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी पत्नी। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ जाने पर बीजेपी ने कहा किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ है हमारा गठबंधन। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलकर तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। राज्यपाल के पास टीडीपी और कांग्रेस एक साथ गए, इसलिए साउथ में 2019 के लिए दोनों पार्टियों के गठबंधन के कयास लग रहे हैं। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद में तोड़ा अनशन, कल 19वां दिन था। गैर इरादतन हत्या के केस में नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किल बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट फैसले पर दोबारा विचार करने को तैयार। यूपी के बलिया में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 29 करोड़ की लागत से बना रिंग बांध टूटने की कगार पर, कई गांवों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। बिहार के सारण में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। हैदराबाद में कुछ घंटों की बारिश के बाद उस्मानिया जनरल अस्पताल के परिसर में पानी भर गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भूकंप से एक युवक की मौत, 5.6 तीव्रता का था भूकंप। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तस्करी कर ले जा रही 45 गायों को छुड़ाया। बिहार के रोहतास में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ी मांस से लदी बाइक, बाइक सवार को पीटने के बाद आग लगाई। दिल्ली के नरेला में युवक की चाकू मारकर हत्या, बदमाश फरार, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली में हाईवे पर लूटपाट करने वाले गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद किया। यूपी के मुरादाबाद में सरेआम शराब पीते सिपाहियों का वीडियो वायरल, वीडियो सामने आने के बाद सिपाही सस्पेंड। यूपी के बुलंदशहर में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, बीए के छात्र रोहित की हत्या के आरोपियों को फांसी की बात। यूपी में बेखौफ अथवा अपराधी, आगरा में थाने से चंद कदम की दूरी पर बदमाशों ने वकील को गोली मारी, आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के फतेहपुर में कार से बकरा चोरी करने वाले गैंग की गांव वालों ने जमकर पिटाई की, 4 आरोपी अस्पताल में भर्ती।
मुंबई में 1.4 करोड़ रुपए की 32 सोने की ईंटों के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोपाल में खूंखार सीरियल किलर गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बदमाशों ने 30 हत्याएं करने की बात कबूली। वाराणसी के PHU में मेस में खाना खाने के विवाद को लेकर भिड़े छात्रों के 2 गुट जमकर हुई मारपीट। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बुजुर्ग ने नाबालिग से किया रेप, गांव वालों ने पंचायत बुलाकर लड़की को ही बेरहमी से मारा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शौचालय न होने पर लड़की ने ससुराल जाने से मना कर दिया। कोलकाता के दमदम स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, सिग्नल की गलती से आमने सामने आई ट्रेन। हादसे से हाथियों को बचाने के लिए कारगर साबित हो रहा है रेलवे का प्लान, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे पर ध्वनि यंत्र से हाथियों को पटरियों से दूर रखा जा रहा है। मुंबई में 4 दिन का इंडिया अफगानिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड समिट शुरू, विश्व भर के 2000 से ज्यादा कारोबारी हिस्सा ले रहे हैं। मारुति सुजुकी ने बलेनो कारों का उत्पादन बढ़ाया, ग्राहकों की मांग समय से पूरा करने के लिए उठाया कदम। ओलंपिक में 8 बार के गोल्ड विजेता और 100 मीटर रेस के शहनशाह उसेन बोल्ट ने 0 ग्रेविटी फ्लाइट में सफर किया, बोल्ट इस उड़ान पर एक शैंपेन के प्रमोशन के सिलसिले में थे। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह ने संन्यास ले लिया है, सरदार सिंह ने कहा कि पिछले 12 साल में वो काफी हॉकी खेल चुके हैं, अब युवाओं के लिए जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है। 37 साल के सरदार सिंह ने 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 8 साल तक हॉकी टीम की कप्तानी की। सरदार सिंह एशियाई खेलों में टीम के खराब प्रदर्शन से निराश थे। महिला क्रिकेट में भारत की मिताली राज सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाली कप्तान बनी, 72 मैच जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की, झूलन गोस्वामी 300 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन अब कर रहे हैं रेसिंग, ऑस्ट्रेलिया के बार्क बघेले रेस पर ले रहे हैं ट्रेनिंग। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट स्वप्ना बर्मन को एम्स के डॉक्टरों का मुफ्त इलाज का निमंत्रण, स्वप्ना पीठ दर्द से पीड़ित हैं। एशियाई खेलों में सिल्वर जीतने वाली एथलीट सुधा सिंह को लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक ने सम्मानित किया। एशियाई खेलों में गोल्ड विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सेना प्रमुख बिपिन रावत से मुलाकात की, कहा लक्ष्य अब ओलंपिक में मेडल जीतना है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से आतंकी हाफिज सईद को राहत, पाकिस्तान में चलने वाले चैरिटी कार्य पर लगी रोक को हटाया, पाकिस्तान सरकार ने हाफिज के संगठन पर लगाया था रोक। पाकिस्तान के PM बनने के बाद पहली बार ISI हेडक्वार्टर पहुंचे इमरान खान, पाकिस्तान के सुरक्षा मुद्दे पर अधिकारियों से बातचीत की। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूरोप केवल यूरोपियंस का है, जितने भी शरणार्थी हैं उन्हें वापस जाकर अपने देश की मदद करनी चाहिए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।